इट रियली मीन्स टू लाइक, अगर आप किसी भी लड़की को इस तरह से प्रपोज करोगे उसके घर के सामने, उसके घर वालों के सामने 5 अंगूठियों के साथ, कि आप उससे ही नहीं पूरे परिवार से शादी करना चाहते हो, उनको सबको अपना बनाना चाहते हो, तो इट रियली मीन अ लॉट टू मी. तो मैंने हाँ कर दिया उनसे शादी के लिए. तो अभी ऐसा चल रहा है सीक्वेंस कि मैं एज हिज फियांसे मैं ऑफिस गई हूँ, तो इट्स लाइक वो फाइल में, उनको मुझसे प्यार हो गया है, तो वो फाइल में एक लव लेटर दे रहे हैं मुझे एंड मैं पढ़ रही हूँ. एंड मैं बहुत अभी ऑकवर्ड सिचुएशन है मेरे लिए खास तौर से, एंड वो फुली रोमांटिक रखते हैं, तो अभी बहुत सारा रोमांस देखने को मिलेगा कि किस तरह हमारी शादी होती है. बहुत सारे फंक्शंस अभी पेंडिंग है, रोका है, संगीत, हल्दी, लेट्स सी कैसे होंगे सब मेहंदी. आई गिव जस्टिस टू माई कैरेक्टर, और आगे भी ये कैरेक्टर आपको उतना ही पसंद आता रहे जिस तरह आज तक आपने इस कैरेक्टर को बनाया है, और आप मुझे उतना ही सारा प्यार करते रहिए जितना हमेशा से करते आए हैं, और देखते रहिए खपकी प्यार की ओनली ऑन कलर्स एट 7. थैंक यू सो मच. इसलिए बहुत खुश है क्योंकि आज जब से थपकी प्यार की स्टार्ट हुआ है, आज फर्स्ट टाइम मेरा इतनी जल्दी पैकअप हुआ है. मेरा शाम को 5 बजे पैकअप हो गया है. आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं अब कहाँ जाऊँ, मैं इतनी सारी शॉपिंग कर रही हूँ, इतनी सारी सेल लगी है, तो मैं बहुत खुश हूँ आज की. ठीक है, मुझे अपने लिए थोड़ा सा टाइम मिलेगा आज. रेगुलर शेड्यूल इनिशियली बहुत ही टफ रहा, क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक अगर शो बिल्ड होता है, एक शो जब नया लॉन्च होता है, तो उसको बिल्ड करने में, उसको ऑडियंस के सामने लाने में, लोग उसको पहचानने लगे, डेली देखे, उस चीज़ में बहुत मेहनत लगती है. और हम लोगों ने 24-26 आवर्स तक शूट किया है, मतलब सुबह सुबह जितना बहुत शूट किया है, बिल्कुल सोई नहीं है. शुरू के शायद आई थिंक 2.5 महीने तो ऐसे थे कि मैं सिर्फ घर जाती थी तो सिर्फ नहाकर वापस आ जाती थी, बिल्कुल सोती नहीं थी, बेहोश हो जाती थी, बहुत सारी चीज़ें हैं. बट हाँ, ये है कि हार्डवर्क ज़रूर रंग लाता है, और आज शायद उसी का फल मिल रहा है कि शो अच्छा चल रहा है, आप लोगों को सबको पसंद आ रहा है थपकी प्यार की. और ऐसे ही हम सबको सपोर्ट करते रहिए ताकि हमें भी थोड़ी सी राहत मिलती रहे और हम आपको भी अच्छा सा बेस्ट वर्क दे पाएँ. हाँ जी, बिल्कुल. शो में जैसे कि थपकी इज़ अ गर्ल हु स्टैमर्स, हु स्टटर्स, ये चीज़ इनिशियली मेरे लिए काफ़ी टफ थी, बिकॉज इस चीज़ को पकड़ना, इस चीज़ को जैसे कि इमिटेट कोई भी कर सकता है स्टैमरिंग को, बट वो चीज़ नेचुरली करना, नेचुरली आप कैसे उस चीज़ को करते हो. मैंने स्टैमरिंग देखी बहुत पर सीखी नहीं किसी से, वो मैंने जिज्ञासा से सीखी कि जिज्ञासा कैसे स्टैमर करना चाहती है, तभी वो चीज़ नेचुरल, तभी मैं इस कैरेक्टर को जस्टिस दे पाऊँगी. तो हाँ, ये इनिशियली काफ़ी टफ रहा मेरे लिए, पर अभी सारी चीज़ें ट्रैक पे हैं और आई एम रियली इन्जॉइंग दिस कैरेक्टर एंड आई एम इवन मोर ग्लैड कि मुझे ऐसा शो मिला करने को, इतना इंस्पायरिंग रोल कि लोगों को मैं पसंद आ रही हूँ. लोग कह रहे हैं कि थपकी जैसी लड़की है जो कभी हिम्मत नहीं हारती चाहे उसमें कितनी भी कमी है, तो आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों को थपकी पसंद आ रही है. जिज्ञासा तो बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा जब अपने स्कूल में भी थी, मैं अपने स्कूल में भी थी तब मुझे क्रिएटिविटी का इतना ज़्यादा शौक था कि आई यूज़ टू पार्टिसिपेट इन एवरी करिकुलर एक्टिविटीज़. मेरी मम्मी कहती थी एकेडमिक्स पे ध्यान दो, थोड़ा कम एक्टिविटीज़ करो, बट मैं अपनी स्कूल असेंबली में एंकरिंग करती थी, स्कूल में कितनी सारी चीज़ें करती थी, ड्राइंग, स्केचिंग, डांसिंग, सिंगिंग, मतलब मैं हमेशा क्लास से बाहर ही रहती थी क्योंकि मैं रिहर्सल्स करती रहती थी, करवाती रहती थी सबसे. तो इट्स लाइक मुझे बहुत सारी चीज़ों का शौक़ है, और आज भी मैं चाहती हूँ कि चाहे मैं कितना भी बिजी हो जाऊँ काम में, बट मैं अपनी छोटी सी जो जिज्ञासा है मेरे अंदर उसको कभी भी नहीं मारना चाहती हूँ. तो दैट्स व्हाई मैं जब भी टाइम मिलता है मुझे तो मैं ये सब करती रहती हूँ, जैसे जिज्ञासा अपनी फ्री टाइम में करती रहती थी, सो दैट मेरे अंदर कोई जिज्ञासा ना मरे. मुझे हमेशा से गाने का बहुत शौक़ रहा है, पर हाँ, मैंने कभी सीखा नहीं है गाना, तो इट्स माय हॉबी टू सिंग. मैं सेट पे भी जब भी फ्री टाइम होता है तो गाना गाती रहती हूँ. ये जिज्ञासा बोल रही है. हाँ जी. पूछो ना पूछो मुझे क्या मिलेगा तेरी बाहों में आकर, ये इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए, हाँ ओ रामा ये इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए, हाँ.